अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमरीन अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलर कहार में दाइम डेयरी फार्म के मुकाम पर, जहाँ पर आपको ढेर सारी गाय नज़र आ रही होंगी। ये बेसिकली डच गाय हैं जो कि हॉलैंड से मंगवाई गई हैं। आइए आज हम आपको इस प्रोग्राम के तवसुत से बताते हैं कि डच गाय बेसिकली है क्या, कहाँ से मंगवाई गई और इनकी स्पेशलिटी क्या है। बुनियादी तौर पर फ्रीजियन होस्टन फ्रीजियन ब्रीड है जी ये, और इसका असल जो ओरिजिन है वो फ्रीजलैंड हॉलैंड से है। वहीं से पूरी दुनिया में ये ब्रीड गई, अमेरिका भी वहीं से गई और ऑस्ट्रेलिया भी और बाकी ममालिक में भी वहीं से गई। आगे हर मुल्क ने अपने ब्रीडिंग पॉलिसी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई किया। तो इनिशियली ये देखा हमने कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में क्योंकि कोई एक ब्रीडिंग पॉलिसी है नहीं, फोकस किसी एक चीज़ पर नहीं है, हमने गैप ये देखा कि फार्मर कर ये रहा है कि वो उसको अवेयरनेस नहीं है कि मैंने अपना फाउंडेशन हर्ड कैसे बनाना है, अपनी ब्रीड को कैसे लेके चलना है। एनिमल जो वो इंपोर्ट भी कर लेता है तो उससे बेहतर नतायज या बेहतर परफॉर्मेंस नहीं ले पाता और अगली नस्ल वो पहले से भी ख़राब कर लेता है। इस गैप को देखते हुए फिर हमने इसमें वैल्यू एडिड सर्विसेज ऐड की कि AI सामने नीदरलैंड की सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड AI कोऑपरेटिव है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वहाँ से हमने इसका जेनेटिक्स भी इंपोर्ट किया और हम कोशिश ये की हमने कि ब्रीड को पाकिस्तान के मुताबिक लेके जाया जाए। इम्पोर्ट में इसको अहमियत हमने इसलिए दी हॉलैंड के जानवर को क्योंकि इसका अगर हम दूध की क्वालिटी देखें और फार्मिंग सिस्टम देखें तो पाकिस्तान से क्लोजेस्ट है। पाकिस्तान में दूध बिकता है फैट एंड प्रोटीन पे, आप नस्ले को देंगे वो टोटल सॉलिड पे लेगा। आम जो जमींदार है, आम जो कंज्यूमर है हमारा, वो चाय में गाढ़ापन एक हमारा टेस्ट डेवलप है। होस्टन फ्रीजियन ब्रीड में हॉलैंड की गाय का फैट सबसे ज्यादा है, प्रोटीन और फैट दोनों इसके बहुत अच्छे हैं और साथ वॉल्यूम भी सरप्लस है। न्यूजीलैंड वगैरह में भी फैट अच्छा है लेकिन उनका दूध बहुत कम होता है, इनका दूध का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और इनमें सॉलिड्स भी अच्छे हैं, फैट प्रोटीन बहुत अच्छी है क्योंकि हॉलैंड का 50% से ज़्यादा जो उनका दूध है वो चीज़ बनाने में यूज़ होता है। 2018 अक्टूबर में आई थी, 100 गाय मंगवाई थी नीदरलैंड से, तो अब इस वक्त अप्रैल 2021 है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 के करीब एनिमल पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी इसकी सबसे मेन बात यह है कि एक दूध का काम है, दूध जिसे हम नूर समझते हैं, तो ये नूर का काम है और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम नूर का बिजनेस कर रहे हैं। और फिर सेकेंडली ये नेचर के करीब आ जाती हैं, थर्डली फिर क्योंकि हम लोग खुद पंजाब जो है ये सारा एग्रीकल्चर से बैक करता है, तो हमने इसको मॉडर्नाइज तरीके से इसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक हमने मतलब 100 मंगवाई थी, इस वक्त 300 के करीब एनिमल हो चुके हैं यहाँ पे। माशाल्लाह मैंने देखा है कि फार्म मैनेजमेंट के हवाले से मैं मतलब कि जो मेरा 7-8 साल का पहला एक्सपीरियंस है उसको सामने रखते हुए यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एनिमल को मैनेज करना काफ़ी सारा आसान है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और इन एनिमल के लिए जो कि इम्पोर्टेड एनिमल होते हैं चाहे वो हॉलैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो या अमेरिका से हो, उन एनिमल के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एज़ कम्पेयर टू जो सेंट्रल पंजाब है कम है और इसलिए ये कि यहाँ पे इनको मैनेज करना मेरे लिए बड़ी आसानी है। मैं पेशे के एतबार से एक प्रोफेशनल वेटनेरियन हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ और मेरी कोर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में है। ब्रीडिंग मेरा कोर एक शौक रहा, 13-14 साल कह लें कि एक उम्र गुजरी है इसी दस्त की स्याही में। तो जब प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में क्वालिटी ब्रीड बहुत लैप्स करती है, अच्छी नस्ल के जानवर नहीं हैं। हैं हमारे पास हज़ारों की तादाद में लेकिन उनकी पैदावारी सलाहियत जब देखी जाती है तो हमारी 10 गायें जो लोकल हैं उनकी एक गाय का वेस्टर्न वर्ल्ड का मुकाबला नहीं करती। इस गैप को देखते हुए मैंने ब्रीडिंग का जो शोबा है इसमें एक्सेल करने का सोचा। सबसे पहले हमने हॉलैंड से प्रूवन जेनेटिक्स इम्पोर्ट किया कि ताकि जो लोकल इंडिजिनस हमारी ब्रीड्स हैं उनके पोटेंशियल को अपलिफ्ट किया जाए। एक एनिमल जो 6 लीटर दे रहा है उसकी डॉटर कैसे 20 लीटर वाली पैदा हो क्रॉस ब्रीडिंग करके। देन ओवर द टाइम क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहले बैन था अमेरिका और यूरोप से एनिमल इंपोर्ट करना, हॉलैंड से भी बैन था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक चॉइस थी वाहिद। ऑस्ट्रेलियन एनिमल का वो प्रोडक्शन पोटेंशियल नहीं था और वो हमारे प्रोडक्शन पोटेंशियल के ऊपर पूरा नहीं उतरता था, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है उसके मुताबिक नहीं था क्योंकि वहाँ पर ग्रेजिंग बेस्ड सिस्टम है जबकि पाकिस्तान में स्टॉल फीडिंग है। इस गैप को देखते हुए फिर लकीली क्या हुआ कि 2015 में एनिमल इंपोर्ट का जो बैन था हॉलैंड से वो लिफ्ट हुआ
तो हमने फिर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पायनियर हैं, हमने सबसे पहले उसी कैटेगरी का उसी मेयार के एनिमल वहाँ से इम्पोर्ट किया और इस वक्त हम जो डेयरी की एक जो शेप है इंडस्ट्री की उसको हमने चेंज कर दिया। जो पाकिस्तान की लोकल ब्रीड है और जो हॉलैंड से एनिमल आए हैं ये तो टोटल डिफरेंट सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की जो गाय है वो कंपेरेटिवली हीट स्ट्रेस है, मतलब वो उनको हीट स्ट्रेस का कोई इशू नहीं आता है, लेकिन ये कि उनकी प्रोडक्शन कुछ नहीं होती, 5 से 7 लीटर दूध पर डे होता है। जो हॉलैंड से एनिमल हमारे पास आए हैं तो ये जो ना इनकी माशाल्लाह प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, एवरेज जो है वो 30 से 35 लीटर पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करती हैं। तो उसी तरह से ये है कि फिर इनको इनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है और इनसे बढ़ के मतलब इनकी फीड जो होती है वो बड़ी बैलेंस न्यूट्रिशन हमने प्रोवाइड करनी होती है। अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन भी कंपेयर किए जब हमने परचेज करे थे तो उस वक्त हमें ये नीदरलैंड की काउज ये ब्रीड ज़्यादा सूटेबल लगी थी, इकोनॉमिकल भी लगी थी और सूटेबल इस तरह थी कि इनकी क्वालिटी मिल्क बहुत अच्छा है। इन्होंने जो प्रॉमिस किया था मिल्क के वॉल्यूम का ही देने का 30 to 40-35 लीटर हीफर्स का देने का वो भी इनका आ रहा है। थर्ड इनका है कि इनके नंबर ऑफ लैक्टेशन या लाइफ इनकी कितनी ज़्यादा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि ये उस हिसाब से फुलफिल नज़र होते नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम और बिज़नेस के हवाले से ये बेहतर हैं। पाकिस्तान की जो लोकल ब्रीड है साहिवाल जैसे मशहूर भी है, अच्छी भी है, लेकिन यह है कि उसको इम्प्रूव तब किया जा सकता है अगर नीदरलैंड के मॉडल के ऊपर हम फॉलो करें। ये जो मतलब एक वक्ती सी तब्दीली है, जैसे कि आज से 2-3 दिन पहले इससे मतलब हवा चल रही थी बड़ी तेज़, तो इससे ये होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम हो जाता है और जैसे ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है तो सेम लाइक जिस तरह इंसानों में वो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, इसी तरह इन एनिमल के साथ भी वही प्रॉब्लम आ जाता है। और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए चूँकि हमारे पास शावर, हमारे पास मिस्ट और फैन होते हैं, तो हमने इसको अभी मतलब रिसेंटली इसी तरह से मैनेज किया है इस ह्यूमिडिटी को अप करने के लिए, क्योंकि इस टाइम हमें तकरीबन 40-50% जो ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और उसको हमने मैनेज किया है अपने शावर और मिस्ट वगैरह चला के। देखभाल के लिए हमने फार्म मैनेजर हायर किया हुआ, हमारी प्रोफेशनल टीम है जो इसको देख रही है, प्रोफेशनल्स इसको कंसल्टेंसी हम लोग ले रहे हैं। डॉक्टर उमर साहब हैं हम जो डेयरी इंडस्ट्री में और इसमें उनका बड़ा अच्छा नाम है। यहाँ पे टोटल जो एनिमल है वो इस टाइम तकरीबन 350 के करीब है, जिसमें जो लार्ज एनिमल है वो 250 है और बाकी जो है ना वो जिनकी एज 1 साल से कम है वो है। अब पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस हो रहा है मिल्क उसकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और हम तकरीबन 86 रुपीस पर लीटर के हिसाब से दूध यहाँ से सेल कर रहे हैं अपने फार्म से, जो कि आज से 1.5 साल पहले या 1 साल पहले तकरीबन 60 या 65 रुपीस था। नो डाउट कि हम एक स्ट्रगलिंग इकोनमी है, हमारे PKR के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नो डाउट कि हमारी चीज़ें करेंसी बहुत तेज़ी से डीवैल्यू हो रही है, लेकिन एनिमल इंपोर्ट करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सस्टेनेबल मॉडल है वर्सेस पाउडर मिल्क इंपोर्ट करना, क्योंकि पाउडर मिल्क तो आया और कंज्यूम हो गया, एनिमल आएगा। अब इन्होंने 100 इंपोर्ट किए थे, आज ये 300 पे बैठे हैं, कल ये 1000 पे चले जाएंगे, चीज़ें इंप्रूव होंगी, अल्टीमेटली हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट कि वन टाइम ये डेंट है, लेकिन आगे कम अज़ कम हम उसे सस्टेनेबल तो एटलीस्ट कर रहे हैं। पाउडर का इशू ये है कि आप इस वक्त मेरी जो वर्किंग है ऑलमोस्ट 40% दूध जो हमारा है वो पाउडर मिल्क से हम बना रहे हैं और जो जितने आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, टी वाइटनर्स हैं, ये सारे उसमें हैं, तो दैट्स अ ह्यूज थिंग। और अब अगर इसी रेशो से जिस तरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं 50,000 एनिमल अगर हम मजीद इंपोर्ट करते हैं तो तब सिर्फ वो गैप कवर होता है जो पाउडर से हम पूरा कर रहे हैं। हमारे पास सारी ही डच काउज हैं और हम लोग जो हमारा फोकस है वो इसी ब्रीड को आगे लेके चलने का है कि इसमें अमेरिकन फ्रीजियन या ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन हम नहीं ऐड करना चाह रहे, जिस तरह का होगा कि मतलब पाकिस्तान में अगर डच काउज का जिसे कहते हैं घर कहा जाए तो वो इंशाल्लाह दाइम डेयरी होगा, जो इसी को हम इसी ब्रीड को ही आगे लेके जाने की फोकस में लगे हुए हैं। लकीली ये हुआ कि हमें हॉलैंड एम्बेसी से बहुत सपोर्ट मिली, हमने यहीं पे बल्कि कलरकहार में सेमिनार कंडक्ट किया, वहाँ पे जो एक्स हॉलैंड एम्बेसडर थे RD वो तशरीफ लाएँ और उन्होंने हमारी एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ये तो आपने डेयरी वैली बना दी है,
यहाँ पे पहले किसी किस्म की फार्मिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नूर डेरी, उसके बाद ये दायम डेरी, दीगर प्रोजेक्ट्स, अब ये एग्जैक्टली एक जो है ना फिक्स आपका डेरी मॉडल बनता चला जा रहा है। साथ हमने क्या किया कि सिर्फ एनिमल मंगवा के देना कमाल नहीं है, इन फार्म्स को सक्सेस स्टोरी बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ इन एवरी थिक एंड थिन रहे, हमने हर मौके पे सर्विसेज दी। मैं खुद भी यूएई में फार्म मैनेजर रह चुका हूँ, दुबई में कुछ 2500 के हेड में फार्म में हैंडल कर चुका हूँ। इन सारे एक्सपीरियंसिस की बेस पे फिर हमने इसको थ्रू हिट एंड ट्रायल और थ्रू इंगेजिंग ऑल्सो द फॉरन कंसल्टेंसीज हम इनको लेके चल रहे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फार्म शाइनिंग स्टार्स हैं और इनका नाम है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर। जी तो नाजरीन, आपको यकीनन डच गाय के बारे में पता चला होगा कि मुल्की सतह पर जो है वो इन क्या किरदार अदा कर सकती हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में डच गाय मौजूद है और किस तरह से उनकी देखभाल जो है वो की जा रही है। हम अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें काफ़ी टाइम भी दिया और हमें इनकी तफसीलात से आगाह भी किया। वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल ट्रांसमिशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मेज़बान अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।